दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों क्या आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं और वो स्त्री अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही? आप दिन रात उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं लेकिन वो आपको इग्नोर कर रही है? तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ज्योतिष शास्त्र का उपाय लेकर आया हूँ जो शादीशुदा औरत अपने प्यार का इजहार खुद करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जानते हैं उपाय क्या है, आपने इसके लिए क्या करना है। दोस्तों बस आप चावल पर ये चीज लगाकर किसी लाल कपड़े में बांध दो और बस इसे इस जगह पर छुपा दीजिए। ये उपाय के बाद आप जैसे भी चाहोगे वो आपका हो जाएगा। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जैसे भी आप चाहोगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपका दीवाना हो जाएगा। ये पूरा उपाय क्या है, आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं और उसे अपना कैसे बना सकते हैं जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और आपको सामने से प्यार नहीं मिल रहा तो दोस्तों आप इस ज्योतिष शास्त्र के उपाय को करके अपनी मोहब्बत पा सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय हैं जिन उपाय को करके आप अपना मन चाह प्यार पा सकते हैं। दोस्तों ये उपाय है चावल का, आपने चावल के दाने पर उस स्त्री का नाम बोलते हुए सिंदूर लगाकर इस लाल कपड़े में बांध लेना है। सिर्फ एक चावल का दाना, बाद में आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे रात में दबा देना है। दबाते समय आप 21 मंत्रों का जाप करें और आप 21 बार उस स्त्री का नाम ले लें जिसे आप अपना दीवाना बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे ही उपाय कर लेंगे और घर आओगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। दोस्तों भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी सच्ची नीयत से अपने कार्य को पूर्ण करने की सोचता है, अपने कार्य को करने की प्रतीक्षा करता है, उनके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सच्ची नीयत वाले का साथ इस पर हमेशा देते हैं। जो भी मांगोगे वही आपको मिलेगा। आपके जीवन में कभी भी ऐसी समस्या पैदा नहीं होगी जिससे कि आपका प्रेम आपसे बिछड़ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।